हमीरपुर पुलिस ने लाखों की कीमत के मोबाइल फोन चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने चोर से मोबाइल फोन भी बरामद कर ली हैं। युवक हमीरपुर शहर की किसी नामी दुकान पर चुराए फोनों को कम दाम पर बेचने के लिए निकला था। इस दौरान दुकानदार ने पुलिस को शक के आधार पर सूचित कर दिया, उसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और फोन बरामद किए। पुलिस सदर थाना हमीरपुर में राजकुमार पुत्र भूषण कुमार निवासी सोलन की शिकायत पत्र पर मामला दर्ज किया गया। उसने बताया कि वह वीवो कंपनी के मोबाइल फोन SET लेकर कांगड़ा जा रहा था। करीब रात 12 बजे हमीरपुर बस स्टैंड के नजदीक एक होटल में रुका। कार को होटल के बाहर सड़क के किनारे पार्क किया। सुबह करीब 6 बजे उसने कमरे से उठकर बाहर कार की तरफ देखा तो कार की ड्राइवर साइड का पिछला शीशा टूटा पाया गया। कार की पिछली सीट पर रखी मोबाइल फोन की 34 पेटियों में से 2 कम पाई गई। इन दोनों पेटियों में 19 मोबाइल फोन थे जिनकी कुल कीमत 4.10 लाख थी। माल चोरी हुआ उसमें 19 पीस थे 7 प्लस, उसमें 15 पीस थे गोल्ड कलर के और 4 पीस थे ब्लू कलर के। तो रात को होगी थी नहीं, वो तो सुबह पता चला था। आपकी और उसमें से कितना गायब हुआ था? 19 पीस 4,10,000 पकड़े गांधी चौक हमीरपुर में। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रदीप सहगाम कलसाई डाकघर मंझोग सुल्तानी तहसील हमीरपुर से फोन बरामद कर लिए। उससे अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से विभिन्न प्रकार के कपड़े भी बरामद किए। रात के समय पहने कपड़ों को उतारकर आरोपी दूसरे कपड़ों में बाजार में मोबाइल फोन बेचने की फिराक में घूम रहा था। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को मोबाइल फोन सहित दबोचा है। पिछले दिनों हमीरपुर के DC कार्यालय से चोरी की गई कार को भी, पिछले दिनों पुलिस ने चोरी की गई गाड़ियों को भी हमीरपुर से भी बरामद कर लिया है। पुलिस को जिला के कई स्थानों में हुई चोरियों के बारे में भी बड़ा सुराग हाथ लगने की उम्मीद है। मोबाइल फोन चोर को दबोचने में सदर पुलिस टीम तथा विजिलेंस के नरेश कुमार की तत्परता काम आई। कल रात का है जो कि आज सुबह रिपोर्ट हुआ है, घटना रात की है कल की, जिसमें एक गाड़ी का शीशा तोड़कर उससे कुछ मोबाइल निकाले गए थे। कुल 19 मोबाइल थे जिनकी कीमत 4,10,000 रुपये थी। सुबह जैसे ही रिपोर्ट थाने में पहुंची उसके बाद में हमारे सदर टीम ने और SIU ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इस चोर को पकड़ा है और सारे मोबाइल उससे हमने रिकवर कर लिए हैं। इसी में गया केस 380 IPC के तहत केस दर्ज किया गया और इसमें पूरी रिकवरी भी की गई है। और बाकी जो संबंधित मुकदमे हैं उनमें भी हम जांच पड़ताल इससे कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि कुछ और मामले इसमें खुल पाएंगे। खासकर जो भी पिछले दिनों जो DC ऑफिस की पार्किंग से कार चोरी हुई थी उसमें वो कार हमने बरामद कर ली है और पूरी इसी व्यक्ति पे शक है कि इसी ने उस कार को चुराया है।